रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चौबीस घंटे के बाद भी पुलिस इस हत्या या आत्महत्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। रहस्य अब और गहरा होता जा रहा है। आखिर क्या हुआ था 7 मार्च की रात को? क्या इस पुलिस प्रशासन के रहते मेरठ वाकई चैन की नींद सो सकता है? क्या है इन मौतों का रहस्य? कोई मास मर्डर या कोई सामूहिक आत्महत्या? पुलिस को कुछ सुराग तो मिला है, लेकिन क्या वो पुलिस ही जाने। घर में चीजों को सेटल करके रखना चाहिए। रौनक आती है। ये फोन आपके घर के बाहर मिला मुझे। आपके किसी फैमिली मेंबर ने फेंका होगा। अगर आप में से कोई उसका पासवर्ड बता देगा तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होगी। वो फोटो देना। इस मूर्ति के बारे में कोई जानता है? इंस्पेक्टर, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि क्राइम थ्रिलर की नॉवल लिख रहे हो? अरे, हमारी फैमिली में 7 मेंबर्स की डेथ हो गई है और आप हम पर ही शक कर रहे हो? मिस्टर साहिल, मैं अभी आपसे सिर्फ मूर्ति के बारे में पूछ रहा हूं। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरे काम में उंगली करने की कोशिश भी की, आप कब सस्पेक्ट से कल्प्रिट बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चेहरे पे स्माइल रखिए, गुस्सा नहीं। अरे पाठक जी। जी सर। आपको क्या लगता है ये केस कैसा है, सीधा या टेढ़ा? टेढ़ा। तुम तो सीधे खड़े हो। भाई को किसने मारा, उसके परिवार को किसने मारा, मुझे कुछ पता नहीं। हमारे इतने सालों की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। पुलिस को जब मन करता है वो घर के अंदर घुस आती है। हमारे घर की छोटी छोटी बातें बाहर जा रही हैं। हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सभी को संभल के रहना है। माँ, पापा फिर से दादी की आवाज में बात कर रहे हैं। सबके सब मुंह बंद रखना। घर की बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सतर्क रहना। पानी लेकर आओ। मुकेश, अरे सर, समीर की पूरी कुंडली तो यहां है। पाठक जी, लगता है दूल्हे का काफी पुराना रिश्ता है। स्वागत करिए उसका। सर, बारात निकालनी है। क्यों बे त्यानंदन, 2023 में खुद वर्जिन नहीं है और तुझे बीवी चाहिए सिलबंद?
तेरे तो हड्डियों के भी सिल टूटेंगे आज। नहीं 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 प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। सीधा बैठ। एक नई नवेली दुल्हन को एक रात में पुराना करके मादर तेरी तो पूरी नस्ल ही खत्म कर दूंगा। सर 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 सर, सर मैं बताता हूँ सर, सब बताता हूँ सर। सुकेश अंकल और मैं बिजनेस पार्टनर थे और बट अंकल इस काम के लिए शादी। मैं कौन सा तुम्हें जिंदगी भर के लिए शादी करने के लिए कह रहा हूँ। इट्स अ फेक मैरिज। बस पहली रात की क्रिया करके उसे वापस भेज देना। शायद तुम जानते नहीं हो कि नैना के ऊपर किस्मत की विशेष कृपा है। इसके बाद तुम माला माल हो जाओगे। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें बस मेरे लिए एक काम करना है। वो क्या अंकल? वो ये है कि अपने पापा को बोलकर पार्टनरशिप की एक अग्रीमेंट साइन करवानी। तुझे क्या लगता है हमारे माथे पे चिट्ठियां लिखा है? सर कुछ भी कहानी बना रहे हैं। नहीं ना सर, सर सर मैं कहानी क्यों बनाऊंगा सर। तांत्रिक संकटा ने भी तो सुकेश अंकल की बात को कंफर्म किया था। ये सुकेश अंकल को तू कब से जानता है? मैं उनसे पहली बार 7 साल पहले मिला था जब पापा ने उनके लिए 25 लाख रुपए भेजे थे, जब साहिल हनी ट्रैप में फंसा था। सर ही वॉज ऑब्सेस्ड विद वुमेन और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। क्या है ये? उससे पूछिए ना फुफा जी, we are just friends, हमारे बीच में कुछ नहीं है। 25 लाख रुपए मांग रही है तुम्हारी ये so called just friend। है तुम्हारे बाप के पास? Stop it, please। ये ड्रामा ना तुम दोनों मेरे सामने मत करो, okay? I don't like violence। हर महीना 7 तारीख को 25 लाख रेडी रखना, मैं लेने आ जाऊंगी। और ये हर बार के झंझट से बचने के लिए साहिल की शादी उसी लड़की नम्रता से करवा दी। उसके बाद धीरे धीरे पापा और सुकेश अंकल की फ्रेंडशिप हो गई और वो उनकी एडवाइस पे ही काम करने लगे। उनकी मतलब किन की? तांत्रिक संकटा, उनके कंसल्टेशन पर ही हम लोग सब काम करने लगे। दुल्हन आ गई। उस फोन से कुछ वीडियोस डिलीट हुए थे, वो मैंने ही किए थे। नैना जी, पाठक जी, जी हाँ कहिए। 7 साल पहले दादाजी की डेथ के बाद सुकेश चाचा ने साहिल की शादी नम्रता से करा दी। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। उसके बाद हमारी पूरी फैमिली कर्ज में डूब गई। वी वर स्ट्रगलिंग। और फिर उस मनहूस रात पता नहीं क्या हो गया था मुझे, न जाने इन लोगों ने क्या खिलाया था मुझे। होश में नहीं थी मैं।
चाचा जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये गलत, दिस इज रॉन्ग, मैं सबको बता दूंगी। जा, जिसको बताना है बता दे। मैं सबको बता दूंगी। उसके बाद मैं चाची के पास गई, चाचा ने मुझे यूज किया है। जो हुआ उसे भूल जा और इस बात को बस अपने तक ही रख। आप लोगों ने जो किया मैं सब पापा को बता दूंगी, मैं सब बता दूंगी। आप बताएगी तो किसी को? हाँ क्या बताएगी, कौन मानेगा तेरी बात? लेकिन अगर मैंने ये वीडियो दिखा दी ना सबको, तो सबको यही लगेगा कि तूने मेरे पति को फंसाया है। तो चुपचाप वही कर जो तेरे चाचा कह रहे हैं। सुकेश जी ने अनीता जी को इन्वॉल्व क्यों किया? उसके कहने पर। उसके मतलब किसके कहने पर? तांत्रिक संकटा के। पाठक जी, वो तांत्रिक संकटा को ना इज्जत के साथ यहाँ पर लेकर आई है। जी सर। लालची था वह सुकेश, अमीर बनना चाहता था। ऐसे में मैंने उसे कहा कि एक कुंवारी कन्या के साथ क्रिया करके उसे संभोग करना होगा, और कुंवारी कन्या ऐसी जो सात भाग्यशाली के बराबर शुभ, और सुकेश के परिवार में एक ऐसी ही लड़की थी, नैना। लेकिन नैना जी, उस रात ऐसा क्या हुआ कि? रात मेरे घर वापस आने की वजह से घर में झगड़ा हुआ था। सुकेश चाचा और चाची ने जो मेरे साथ किया, शायद उस गिल्ट में आके उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। ना ये आत्महत्या है ना ये हत्या, ये कालजयी कनक क्रिया है, और इस क्रिया को कोई स्वयं नहीं कर सकता। इसे करने के लिए अनुभवी गुरु की आवश्यकता होती है, और ऐसा गुरु जो ये पहले कर चुका हो, ताकि वो सही राह दिखा सके। ऐसे गुरु तो आप ही है ना, आपने कराया ये सब? ना, हमने सुकेश को इस क्रिया की कोई राह नहीं दिखाई। तो फिर किसने उन्हें ये क्रिया करने की राह दिखाई? इसके लिए तुम्हें भूतकाल दर्शन क्रिया करनी होगी। जब तक कुछ दोगे नहीं, तब तक तुम पाओगे कैसे? नैना जी, आपने सुकेश के बारे में तो सब कुछ बता दिया, पर उसी घर में सिद्धार्थ, रणबीर, साहिल, उनके बारे में कुछ नहीं बताया। उनका आपके साथ क्या व्यवहार था? क्या देख रहे थे तुम? मुझे अच्छे से पता है तुम क्या देख रहे थे। क्या हुआ नैनू? मम्मा मैं रूम में कपड़े बदल रही थी और ये झांक रहा था। आज के बाद नैना के रूम के आसपास भी मत दिखना, निकलो यहाँ से। नैना तुम रूम में कपड़े चेंज मत किया करो, आज के बाद बाथरूम में करना। अच्छा नैना जी, संकटा का सुकेश जी पे प्रभाव था, क्या मुकेश जी इस बारे में कुछ जानते थे? नहीं, पापा शायद इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, बल्कि पापा और पूरी फैमिली तो सुकेश चाचा को ही घर का हेड मानते थे। नैना जी, ये आपका फोन, अभी आप जा सकते हैं। पाठक जी,
पागल हो गए आप? आप भी इस पाखंडी के चक्कर में पड़ गए? नहीं सर, बाबा असली खिलाड़ी का नाम बताने ही वाले थे। कातिल के नाम का पहला अक्षर स से शुरू होता है। सा से पाठक। सा से तो संकटा भी होता है। कुनी यही है क्या बाबा जी? है? सुकेश गुप्ता और उसके परिवार के रहस्यमयी केस में आया नया सनसनी केस खुलासा। इसके तार जुड़ रहे हैं तांत्रिक संकटा से। गौर से देखिए लाल कपड़े में काले नरपिशाच को। आखिर इसकी गिरफ्तारी का क्या मतलब है? क्या सुकेश गुप्ता और उसके परिवार का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ था? क्या इस हत्याकांड के पीछे तांत्रिक संकटा का हाथ है? और अगर है तो क्यों ली उन्होंने 7 लोगों की जान? क्यों उजाड़ दिया एक हंसता खेलता परिवार? तो कहिए बाबा जी। 7 साल पहले सुकेश गुप्ता मुझसे मिलने आया था। बिल्कुल टूट चुका था। एक तरफ जहां उसको व्यापार में घाटा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार में अंतरकलह और मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। और उसका बड़ा भाई मुकेश गुप्ता इतना बड़ा आदर्शवादी कि वो व्यापार को न संभाल पा रहा था न बढ़ा पा रहा था। उसके व्यापारिक घाटे से उबरने के लिए मैंने उसे एक अटूट तोड़ दिया था। हाँ क्यों नहीं बाबा जी, आप तो बहुत बड़े बिजनेस एडवाइजर जो हैं। और फिर उसके बाद तूने सुकेश को उसी की भतीजी के साथ सोने के लिए कहा। मजबूरी थी, मजबूरी। सुकेश गुप्ता और उसके परिवार ने 7 साल तक संपन्नता और सफलता के साल देखे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उस तंत्र साधना की शक्ति कम होने लगी और एक ऐसा समय आया कि व्यापारिक घाटा फिर से बढ़ने लगा, परिवार में मनमुटाव और अंतरकला बढ़ने लगा और ऐसे हालात में मुझे दूसरी तंत्र साधना का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी था। डोंगी, तो ये क्रिया थी तेरी? मैंने सुकेश गुप्ता को सिर्फ सलाह दी थी। उस सलाह को मानना या न मानना उनका निर्णय था, मेरा नहीं। तेरी सलाह की वजह से 7 लोगों की जान चली गई है। अटक, इसको यही लॉकअप में सड़ने दो। सर केस बहुत सिंपल है, एस वालों को पकड़ते हैं। साहिल, श्वेता, समीर और सुमित। पाठक मोटिव तो सबके पास है। किसी फैमिली में अगर किसी लड़की के साथ उसके चाचा चाची ने गलत किया है, इतनी घटिया हरकत की है, तो क्या लड़की के माँ बाप का मन नहीं करता होगा मर्डर करने के लिए? राइट सर। और सर जब आप नैना जी के साथ थे तो समीर ने मुझे बताया था कि उसको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, क्योंकि वो डील सुकेश के मरने के बाद नल और वॉइड हो जाती है। वो सुकेश को नहीं मार सकता सर। क्या बात है पाठक, तुम्हारी तो प्रॉपर ऑयलिंग हो रही है। आपसे सीख रहे हैं सर। सर पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, लेकिन ये श्वेता कैसे बच जाती है? पाठक ये भी एक एंगल तो हो ही सकता है। यस सर। और सर ये पिच्चू को क्या मिलने वाला था, इसका क्या मोटिव हो सकता है? पिच्चू को भी कोई मैथ होगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मूर्ति कहीं और छुपानी पड़ेगी। मुझे वह जाने नहीं चाहिए था, मेरी गलती है सब। मेरा एक काम करेगा? हाँ।
तुम्हें ही सब कुछ करना है। हिम्मत कभी मत हारना और जब भी किसी दुविधा में पड़ो अपने मन में झांकना। तुम्हारे मन की आवाज ही मेरी आवाज होगी।